बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत होंगे। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें, शुक्रिया। तो आज मैं इसी दुआ के साथ वीडियो स्टार्ट करूँगा। जो मेरे बहन भाई माँ बाप बीमार है, अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदुरुस्ती दें। जो मेरे बहन भाई कारोबार करते हैं, अल्लाह पाक उनके कारोबार में ढेर सारी बरकतें डाले, आमीन सुम्मा में। तो भाई साहब आज इतनी गर्मी है, बाहर इतनी गर्मी है, दिल ही नहीं था कर रहा जो कि गार्डन में जाके वीडियो बनाऊँ, इंट्रो करूँ। आज मैंने सोचा आज रूम में ना इंट्रो कर लेते हैं, ड्राइंग रूम में। तो अभी मैं ड्राइंग रूम में आया हूँ सबने। तो भाई साहब जब जाना है ना किचन में, तो बात तो बहुत इतनी गर्मी वहाँ पर लगती है ना किचन में। खैर ये भी एक काम है, मेहनत है, कर रहे हैं, अल्लाह ताला एक ना एक दिन कामयाब करेंगे, मुझे फुल उम्मीद है अपने अल्लाह पाक पे। इंशाल्लाह अल्लाह ताला एक ना एक दिन मुझे कामयाब करेंगे। अल्लाह ताला सबको कामयाब करें, जो मेरे बहन भाई मेहनत कर रहे हैं, जो नए हैं, जो पुराने, अल्लाह ताला सबके कारोबार में ढेर सारी, ये भी एक काम है, कारोबार है, बिज़नेस है लोगों का। अल्लाह ताला सबके बिज़नेस में, कारोबार में बरकतें डालें, आमीन सुम्मा आमीन। तो अभी जा रहा हूँ मामा जी के पास, अम्मा से पूछते हैं क्या रेसिपी बना रहा है। तो आप लोग साथ मज़ेदार से रेसिपी शेयर करते हैं, अभी टाइम जाएगा तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अभी मैं अपने मौला के अलम के नीचे खड़ा होके इंट्रो कर रहा था, तो फिर जाके अम्मा जी के पास, तो आप लोगों को मिलते हैं दोबारा। जी मैं अम्मा जी के पास आ गया हूँ, अम्मा से पूछते हैं क्या रेसिपी बना रहे हैं। तो आप लोगों के साथ मज़ेदार से रेसिपी शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम अस्सलाम। अम्मा जी क्या बना रहे हैं आज? मैं पुराने जो हमारे बड़े बनाते थे। चलेंगे आज हमारी बना रहे हैं पुराने स्टाइल, पुराने ज़माने की तरह की दूध वाली सोइयाँ। ये देखते हैं किस तरह मंदिर इसमें क्या क्या शामिल होता है और आप लोगों के साथ ये मज़ेदार रेसिपी शेयर करते हैं। अभी टाइम नहीं जाएगा तो चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आपका? मेरा अल्लाह के फजल से मेरा ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। मुझे दूध वाली सोइयों के लिए जो चीज़ें चाहिए मैं आपको बताती हूँ। ये बारीक वाली मैंने सोइयाँ ले ली हैं, एक वाली मैंने ये चीनी ले ली है, ये खोया मैंने खुद घर में तैयार किया है, और ये मैंने थोड़ी सी ले ली है ये सब इलायची का पाउडर। 2 लीटर मैंने दूध ले लिया है, उसको मैंने गर्म कर लिया है। अब हम आपको सोइयाँ बनाने का तरीका बताते हैं। दूध को हमने गर्म कर लिया है, अब हम इसके अंदर डालेंगे सोइयाँ। और इनको हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे जब तक ये सुइयाँ गाल ली जाती हैं। ये सारी सुइयाँ इसके अंदर ये गाली जाए, जो टेंडर हो जाती गाल ली जाती है, जब तक हम इसको पकाएंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे चीनी। चीनी आपने अपने हिसाब से डालनी है, अगर आप कम डाल दें तो कम डाल दें, ज़्यादा डाल दें तो ज़्यादा डाल दें। अब हम इसके अंदर डालेंगे इलायची का पाउडर, सफ़ेद इलायची का पाउडर। इसमें अब हम इसके अंदर डालेंगे खोया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब हम इसको अच्छी तरह पकाएंगे। देखिए हमारे से सोइयाँ, दूध वाली सोइयाँ तैयार हो गए हैं। इस तरह की मेरे मम्मी इस तरह बनाया करती थी, मैंने अपने मम्मी के स्टार्ट की आज सोइयाँ बनाई हैं। अब हम आपको डिश उठा के दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए जी हमारी दूध वाली सोइयाँ कितनी मज़े की तैयार हो गई हैं। आप भी मेरे तरीके की तरह अपने घर में बनाएगा, कमेंट करके मुझे बताएगा आपको कैसा लगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, इंस्टाग्राम में हमें फॉलो कीजिएगा। आप रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अब हम आपसे मिलेंगे किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।